नमः शिवाय। मैं विकास तिवारी वास्तु विकास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मुख्य द्वार को लेकर के। आपके घर में वास्तु के हिसाब से क्या मुख्य द्वार सही दिशा पे है? अगर नहीं है तो हम उसे कैसे बैलेंस करें? मुख्य द्वार वास्तु के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा, इसका साइंटिफिक तरीके से रीज़न भी बताऊंगा और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। जैसा मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया है कि उत्तर की जो दिशा होती है वह होती है देवताओं की। फिर हम साउथ की तरफ जाते हैं, दक्षिण की जो दिशा होती है उसे यम का द्वार कहा जाता है, वहाँ राक्षसगण विराजमान होते हैं। ईस्ट की जो दिशा होती है, पूर्व की जो दिशा होती है, यह सूर्य की होती है, सूर्य का प्रकाश आता है। और वेस्ट की जो दिशा होती है वह होती है शनि का जोन, वरुण का द्वार उसे कहा जाता है। अगर आपके घर में इन चार दिशाओं पे, या नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, या साउथ में, या साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, अगर ऐसे दरवाजे खुले हैं तो आपके घर में कैसे प्रभाव आएंगे, कैसी नेगेटिविटी आएगी, वह घर आपके लिए रहने लायक है या नहीं है? अगर नहीं है तो उसे हम रहने लायक कैसे बनाएं? चाहे वह घर आपका खुद का हो, चाहे वह घर आपका रेंट का हो, कोई भी घर हो, उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। मुख्य द्वार की एक अलग भूमिका होती है। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से बताने की पूरी कोशिश करूँगा और समझने की और समझाने की भी कोशिश करूँगा। मान लीजिए एक रूम है, एक पूरा एक बॉक्स है। आपने एक दरवाज़ा खोला, वहाँ से बहुत बदबू आ रही है, बहुत गंद आ रही है, तो आप वो दरवाज़ा तुरंत बंद कर देंगे। आपने एक दूसरा दरवाज़ा खोला, वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और उस खुशबू को आप आनंद में रह रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है, आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्या आप उस दरवाजे को बंद करेंगे? शायद नहीं। उसके बाद आपने एक दरवाज़ा और खोला, उस दरवाजे से आपको धन दौलत सुख शांति समृद्धि बेहतर स्वास्थ्य सब कुछ मिल रहा है, तो क्या आप वो दरवाज़ा बंद करेंगे? शायद नहीं। अब आपने चौथा दरवाज़ा खोला, उस दरवाजे से आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी नकारात्मकता, घर में डिप्रेशन, घर में हाहाकार, नेगेटिव एनर्जीज, बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार पैसों का लॉस होना, क्या आप ऐसा दरवाज़ा खोलेंगे? आप बोलेंगे कि भूल कर भी हम ऐसा दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारी चार दिशाएं होती हैं, चार दिशाओं के बाद अलग अलग दिशाएं होती हैं, सारी डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं, 16 जोन्स होते हैं। उन 16 जोन्स में अगर आपके घर में इन जोन में अगर दरवाज़ा खुला है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या हो रहा है आपको पता चलेगा, और उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में क्या आ रहा है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं नॉर्थ पे। अगर आपके घर का एग्जैक्ट 360 डिग्री पे नॉर्थ या 0 डिग्री पे अगर आपके घर का मेन डोर है, चौखट है, मुख्य द्वार है, तो आपके जीवन में हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए नए अवसर आएंगे, आप हमेशा नया नया काम करेंगे, अवसर से आप भरपूर पर्याप्त रहेंगे, आपके पास इतने काम आएंगे आप कई काम को ऐसा छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अगर इसी जगह पर आपके घर पे ईस्ट की डायरेक्शन पे अगर डोर है तो वो आपको समाज के साथ अच्छा व्यवहार करवाएगा, समाज के साथ अच्छे रिलेशंस करवाएगा, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके कई अच्छे फ्रेंड्स होंगे। सेम अगर एग्जैक्ट साउथ में अगर आपके घर है तो आप उस जगह पर, आपको जो डोर खुला हुआ है एग्जैक्ट साउथ में, जो आपका डोर खुला हुआ है वह यम का द्वार है। आपके घर में नेगेटिविटी, आपके घर में क्लेश, आपके घर में दुख, आपके घर में पीड़ा, चोरी होना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जगह, ऐसे दरवाजे पर अगर दरवाज़ा आपने खोल दिया, क्योंकि वहाँ से आप यम को आमंत्रित कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को आमंत्रित कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
वेस्ट की डायरेक्शन पे अगर आपका मेन डोर है तो वो बहुत अच्छा माना गया है, वहाँ से आपको प्राप्ति की दिशा है, वहाँ पर आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होंगी। अब ये तो मैंने आपको चार दिशाओं के बारे में बता दिया। बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट हैं, उनसे मेरा मिलना जुलना होता है, उन्होंने एक ही चीज़ लोगों के अंदर में एक भ्रांति डाली है कि अगर किसी व्यक्ति का वेस्ट की डायरेक्शन पे मेन डोर है तो वह व्यक्ति बहुत परेशान होगा, उसके घर में बहुत क्लेश आएगा, परेशानियाँ होंगी, बीमार रहेगा, पैसों का नुकसान होगा। मैंने जब केस स्टडीज़ में गया, मैंने कई ऐसे वेस्ट साउथ की डायरेक्शन पे और वेस्ट की डायरेक्शन पे जब मैंने देखा, उनकी ये भी एक भ्रांति है कि साउथ फेसिंग का जो घर होता है वो अच्छा नहीं मानते। मैंने उस भ्रांति को तोड़ने का प्रयास किया कि साउथ की फेसिंग का जो घर होता है, फेसिंग कोई भी घर हो, वह उत्तम है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस घर को चुना है, अननोइंगली या नोइंगली। आप उसे बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब मैंने देखा कई लोगों का घर साउथ फेसिंग है और वो बहुत अमीर है, संपन्न है, उनके पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, बेहतर स्वास्थ्य है, तब मैंने उनको बोला कि ये देखिए, इनका तो साउथ में और साउथ ईस्ट में डोर खुला हुआ है और ये संपन्न है। तो कहते हैं कि 100 में से अगर 2-4 लोगों का अच्छा हो जाए तो बात अलग है। मैंने उनको डीप बताया और उनसे ये भी कहा कि आप थोड़ा एनालिसिस करें कि यह व्यक्ति काम क्या कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति की फैक्ट्री है। मैंने कहा फैक्ट्री, नेम और फेम, अगर किसी व्यक्ति की फैक्ट्री है, उसका साउथ ईस्ट में या साउथ में दरवाज़ा खुला है, मेन डोर खुला है, वह बहुत संपन्न होगा, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी, क्योंकि फैक्ट्री जो है वो फायर एलिमेंट है, कहीं ना कहीं वो अपनी फैक्ट्री में अग्नि को प्रज्वलित किया है और साउथ की जो डायरेक्शन होती है वो होती है आग की। अब इसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति पानी से संबंधित काम कर रहा है और उसका अगर साउथ फेसिंग है, वो बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि घर का जो फेसिंग है वो साउथ है, वो अग्नि से, आग से एंटर कर रहा है और पानी में जा रहा है, तो काम कर रहा है पानी में तो प्रॉब्लम आएगी। उसी जगह पे अगर उसका नॉर्थ पे मेन डोर खुल रहा है, नॉर्थ पे अगर उसके मेन डोर जाने का है, तो पानी से संबंधित तो वो काम कर रहा है, वो बहुत अमीर, संपन्न और सफल बनेगा। उसी जगह पे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट अधिकारी है, या पॉलिटिक्स में है, या एमएलए है, विधायक है, जो भी है, अगर उसका ईस्ट का फेसिंग खुला हुआ है तो बहुत ही उसको फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि ईस्ट का जोन जो होता है वो सामाजिक मेलजोल के साथ जोड़ देता है। अब इसी जगह पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसका अगर वेस्ट की डायरेक्शन पे डोर है, मेन डोर या मेन जो दरवाज़ा है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या पॉलिटिक्स में है या वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है, उसका नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि यह जोन जो होता है शनि का जोन है और वो न्याय करता है, तो शनि जो है वो न्याय करता है, और न्याय में अगर आपने कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में गलती कर दी या कुछ भी कर दी, तो वो आपको पनिशमेंट देना चालू कर देगा। तो मैंने ऐसे केस स्टडीज़ बहुत देखी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका मैंने देखा है कि अगर वेस्ट की डायरेक्शन पे मेन डोर आ गया है, तो मैंने उन्हें बताया कि आपके घर में ये प्रॉब्लम्स आती होंगी, आपको बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, आपके साथ अन्याय होता होगा, कभी न्याय नहीं होता है, और आप भी लोगों के साथ अननोइंगली कहीं गलत कर जाते होंगे, तब वो कहते हैं कि सर आप बिल्कुल जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तब मैं फिर ऐसे डोर को बैलेंस करवाता हूँ। अगर तोड़ फोड़ कुछ नहीं करनी है, डोर को हमको हटाना भी नहीं है, तोड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, हम डोर को बैलेंस कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण जोन जो होता है साउथ वेस्ट, अगर किसी व्यक्ति का घर का जो जोन है साउथ वेस्ट में अगर मेन डोर है, तो उसके घर में राहु की महादशा आ जाएगी, शनि की महादशा आ जाएगी। इस घर को मैं देखते ही कहता हूँ कि यह घर हॉरर घर है। इस घर में जो भी लोग रहते होंगे ना, उनको भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी इसका भय रहता होगा, उनको लगता होगा कि मेरे कोई बगल में है, मेरे सर के ऊपर कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाना, ऐसा। ये जोन साउथ वेस्ट का जो जोन होता है पितरों का जोन है। अब पितर है क्या? एनर्जीज ही तो है, तो आपने उस जोन को खोल दिया,
तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का आपने रास्ता दे दिया। आपके पितर के साथ साथ उनके जो फ्रेंड होंगे ना, पितर वाले, वो भी आपके घर में एंटर हो जाएंगे और वो सब अपनी अपनी जगह पे मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। तो ऐसे डोर को ना ही खोला जाए। अगर खुला हुआ है तो उसे हम बैलेंस कर सकते हैं कुछ कलर्स के माध्यम से। एक दो जोन में आपको बता देता हूँ कि इसको बैलेंस कैसे करना है। अगर नॉर्थ की डायरेक्शन पे आप पानी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं और आपका जो डोर है, आपका जो घर है, फेसिंग जो है वो साउथ की डायरेक्शन पे है, तो आप अपने चौखट पे लाल कलर का पेंट करवाएं, डोर बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो आप डोर मैट लगवा दें, रेड कलर का डोर मैट लगवा दें साउथ की डायरेक्शन पे, आपका डोर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपका फेसिंग वेस्ट की डायरेक्शन पे है, तो उसे कैसे बैलेंस करें? तो जो चौखट होगा ना, उस चौखट को आपने वाइट कलर करवाना है। हो सके तो दरवाजे को भी पूरा वाइट करवा दे और आपने वहाँ पर एक वाइट कलर का डोर मैट रख दे। यह जोन जो होगा यह बैलेंस हो जाएगा। वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव प्रवाह आपके घर में आ रहा है, वह आना बंद हो जाएगा। चौखट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आज की रेट में। इस मॉडर्न युग में चौखट जो है वो लोग एल्युमिनियम के लगाते हैं, लकड़ियों के तो बहुत कम सुनने में आते हैं, और आज तो सीमेंट के भी चौखट आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपके घर का चौखट नॉर्थ की डायरेक्शन पे लोहे का है तो आपको दुष्प्रभाव देगा। ईस्ट की डायरेक्शन पे अगर आपका चौखट लोहे का है आपको दुष्प्रभाव देगा। साउथ की डायरेक्शन पे अगर लोहे का है तो आपको दुष्प्रभाव देगा। अगर वेस्ट की डायरेक्शन पे अगर है तो वो अच्छा मानते हैं। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे अगर लोहे का है तो अच्छा मानते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन पे जो चौखट होना चाहिए वो हमेशा वुड का होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए। ईस्ट की डायरेक्शन पे भी वुड होना चाहिए, साउथ की डायरेक्शन पे भी वुड होना चाहिए। ये तीन जोन जो होते हैं, वुड अगर चौखट है तो बहुत अच्छा होगा। अगर मेटल आ गया या एल्युमिनियम आ गया या दूसरा कोई भी मेटल आ गया वहाँ पर, तो ऐसे जो चौखट होते हैं, ऐसे जो मेन डोर होते हैं, उसके अंदर जो एंटर करेगा वो नेगेटिव एनर्जीज ही एंटर करेगी। घर में कभी सुख शांति और समृद्धि आएगी ही नहीं। और इस जोन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं, इसे हम ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। एक दो टिप्स और दे देता हूँ। नॉर्थ के डायरेक्शन पे अगर आपका दरवाज़ा लोहे का है, सपोज़ चौखट जो है वो लोहे का है, आप या तो ग्रीन कलर का पेंट करवा लें उस चौखट में, या तो येलो कलर का पेंट करवा लें, ये जोन आपका बैलेंस हो जाएगा। NW में अगर आपका वुड आ गया है, NW में अगर या वेस्ट की डायरेक्शन पे आपने वुड लगा रखा है तो वो अनबैलेंस करता है, तो उस जगह पे आप पे वेस्ट की डायरेक्शन पे जो दरवाज़ा होगा उसे आप वाइट कलर से पेंट करवा दें, उसकी चौखट को वाइट करवा दें, ये आपके लिए बैलेंस करेगा।